गुड इवनिंग। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने स्टैटिक्स में ठीक है अखंडित श्रेणी का तीनों तरीका जो प्रत्यक्ष लघु रीति और पद विचलन था उसका अध्ययन हो गया था और आशा है कि आप लोगों को समझ में आया भी होगा ठीक है, ऐसी विश्वास है मुझे। तो ये सोचकर मैं आगे चलता हूँ कि आप लोग वीडियो को समझ भी रहे होंगे ठीक है। वीडियो को 2 से 3 बार आप देखें आपको समझ में आएगा ठीक है। मैं तब से बेस्ट ऑफ लक है। चलिए तो आज का विषय क्या है, आज का विषय है कि माध्य हमें दिया जाएगा ठीक है, माध्य हमें दिया जाएगा और हमें अज्ञात को ज्ञात करना होगा, चाहे वो चरमान अज्ञात हो या फिर बारंबारता, दो बात। या तो चरमान, चरमान यानी जिसको हम एक्स बोलते हैं वो अज्ञात हो, या तो फिर बारंबारता अज्ञात हो। तो खंडित श्रेणी अगर है ठीक है, एक जैसे व्यक्तिगत अगर श्रेणी है तो उसमें चरमान अज्ञात होगा तब वो ज्ञात करना होगा ठीक। और जो खंडित श्रेणी है जिसे बारंबारता होता है ठीक है, उसमें दो बातें होंगी, या तो बारंबारता किसी का नहीं देगा तो बारंबारता ज्ञात करना होगा, या चरमान किसी का नहीं देगा तो वो चरमान ज्ञात करना होगा ठीक है। और एक हम लोग पढ़ेंगे फिर अखंडित श्रेणी में जिसमें सिर्फ बारंबारता ही अज्ञात करना आता है ठीक है। अखंडित श्रेणी में क्या अज्ञात रहता है, बारंबारता। उसमें दो कंडीशन, या तो बारंबारता किसी एक ही का गायब होगा या तो दो का गायब होगा, दो से ज्यादा नहीं, या तो किसी एक का या तो फिर दो का। बातें आपको समझ में आ गई होंगी ठीक है। चलिए हम लोग एक एक क्वेश्चन को आगे लेकर चलते हैं। जैसे पहला टाइप समझ लीजिए कुछ ऐसा होगा सकता है क्वेश्चन कि ए का मान ज्ञात करें यदि ए कॉमा 3, 7, 9, 11 ठीक है का माध्य ठीक मान लेते हैं का माध्य मान लेते हैं 7.5 है, मान ली का माध्य कितना है 7.5 ठीक है। ए 3, 7, 9, 11 का मान कितना है 7.5 और ए का मान आपको निकालना है, सिंपल। चलिए तब आंसर बनाएंगे तो कैसे, तब आपके पास चरमान क्या क्या है, आपके पास चरमान ए है, 3 है, 7 है, 9 है और 11 है ठीक है। चरमानों की संख्या क्या है, चरमानों की संख्या कितनी है, तो टोटल 1, 2, 3, 4, 5 ठीक है, कितनी है 5 है, काउंट कीजिए 1, 2, 3, 4, 5। चलिए माध्य कितना दे रखा है, माध्य आपके पास है 7.5, या तो किसी को प्रॉब्लम नहीं हुआ। आगे माध्य बराबर क्या होता है, चरमानों का योग बटा चरमानों की संख्या। अगर यहाँ चरमान x लिख रहे हैं ठीक है, तो चरमान x ऐसे दो बिंदु दे दीजिएगा तब यहाँ लिख सकते हैं सिग्मा x बाई, और चरमानों की संख्या को दर्शाने के लिए अगर आप स्मॉल n यूज किए हैं तो n लिख दीजिएगा ठीक। अगर आप संकेत नहीं ऊपर लिख रहे हैं तो आपको हिंदी लिखना होगा, चरमानों का योग बटा चरमानों की संख्या, चरमानों का योग बता चरमानों की संख्या। तो माध्य कितना है भाई, तो माध्य है आपका 7.5। चरमानों का योग का मतलब a प्लस 3 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 बटा चरमानों की संख्या मतलब 5। यहाँ तक मेरे ख्याल से किसी को प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा ठीक। अब 5 को इधर ले जाइए, 5 को इधर मल्टीप्लाई में, तो 7.5 × 5। चलिए a का तो a हो जाएगा, इन लोग को ऐड कीजिए, 7, 3, 10, 11, 9, 20,
दस और बीस तीस, ये आपका हो गया 30। ठीक है, अब 7 5 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 5 5 जा 25। ठीक है, यहाँ बना लेते हैं 5 5 जा 25 का 5 हासिल 2, 7 5 35 और 2 37। सेटिस्फाई 5 इज इक्वल टू ए प्लस 30। ठीक है, 30 को इधर ले आते हैं तो 37.5, 30 ना आएगा तो माइनस में 30 हो जाएगा, इक्वल टू ए घटा दीजिए, इसलिए ए का मान 7.5, तो अज्ञात राशि का मान क्या आया, 7.5 आया। ठीक है, ये आपका हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक, मेरे ख्याल से बच्चों को यानी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, कुछ नहीं किए हैं, बहुत सिंपल है, माध दे रखा था, माध का फॉर्मूला लिखते हैं, चर मानों का योग, चर मानों की संख्या, चर मानों का योग का मतलब सबको प्लस करना है, सबको प्लस कर लिए, चर मानों की संख्या मतलब सबको काउंट करना है, गिनना है। ठीक है, गिन लिए तो 5, उसका इसको इधर गुना कर दिए, ए को ए, नंबर को नंबर जोड़े, फिर 30 को इधर लाए, कंप्लीट हो गया। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन में क्या चलेंगे कि हमारे पास चरमान और बारंबारता सारणी होगा। ठीक, और चरमान को हम गायब कर देंगे, बारंबारता रहेगा, चरमान किसी का हटा देंगे वो ज्ञात करेंगे। ठीक है, देखिए, ठीक है, वीडियो पॉज करके मिटा दिए थे जिससे समय नहीं लगे ज़्यादा। तो P का मान ज्ञात करना है, मान दे रखा है 18.75, मान कितना दे रखा है 18.75 यानी 18.75। ठीक, ये तालिका दे दिया, कैसे बनेगा, सिंपल, आपको इसमें कोई एक्स्ट्रा विधि नहीं सोचना है, सिंपल प्रत्यक्ष विधि को सोचिए, काम खत्म कीजिए। ठीक, नहीं आप चाहे तो लघु रीति में भी जा सकते हैं, ठीक है, लेकिन उससे आप बचिए, इसमें सबसे आसान होता है प्रत्यक्ष विधि। ठीक, तो प्रत्यक्ष विधि का रूल क्या है, ठीक है, एफ और एक्स को गुणा करने का रूल है, तो इसको एज कर देते हैं क्वेश्चन, मान ध्यान रखिएगा 18.75, यहाँ मेरा एन से स्टार्ट हो रहा है, एक्स हो गया, एफ हो गया, एफ और एक्स को मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई किया जाए, 10 5 50, 15 10 150, पी 7 7 पी, 25 8 200, 30 2 60। ठीक है, इन सभी को जोड़ लीजिए, 8 2 10 10 10 20, 7 27 5 32, तो सिग्मा एफ आ गया आपका 32। ठीक है, अब सिग्मा एफ एक्स को भी जोड़ ही लेते हैं, तो देखिए पी तो अपना पी रहेगा, पी तो किसी जुड़ेगा नहीं ना, तो 7p का 7p लिख लेते हैं हम, अब बाकी को जोड़ लेते हैं, 50 150 200 200 200 400 और ये 60 460, सिग्मा एफ एक्स भी आ गया। ठीक, सिग्मा एफ भी आ गया, एफ एक्स भी आ गया, माध कितना दे रखा है 18.75। ठीक है, आते हैं, चूंकि माध बराबर क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ, बहुत आसान है, 18.75 और सिग्मा एफ एक्स कितना हो गया, 7p प्लस 460, 7p प्लस 460 बटा में सिग्मा एफ, सिग्मा एफ कितना हो गया, सिग्मा एफ आपका 32 हो गया, 32 को इधर लाइए, 18.75 × 32 इक्वल टू 7p प्लस 460। अब 18.75 32 को मल्टीप्लाई करना है, तो आप चाहे तो पॉइंट हटा के नीचे 100 लाकर काट सकते हैं और काटने के बाद गुना कर सकते हैं। ठीक है, चलिए काट के गुना करते हैं, तो 5 के टेबल से ये 20 बार में, 5 के टेबल से 3 बार में 15, ठीक है, 3 बचेगा 37, 7 12 35, 2 बचेगा 5 12 25, 2 के टेबल से 32 20 को, 2 के टेबल 4 के टेबल से काट लेते हैं सीधा, 4 25 20,
और आ चुके 32। फिर पांच के टेबल से 375 को कट कर लेते हैं, 7 बार में 35, ठीक है, 2 5 75, यानी आया 75 और 8, 75 × 8 आया, और ये 7p या 460। अब 75 × 8 गुना कीजिए, ठीक है, बहुत आसान है, 25 × 75, 25 × 8 = 200, 25 × 8 = 200 और 3 = 600। आप सोचोगे कैसे कर दिए सर, तो 75 का मतलब हो गया ना 25 × 3 × 8, 25 × 8 = 200 सबको याद होता है, और 200 × 3 = 600, सिंपल, ठीक है। चलिए तो 600 आया। तो क्या आपका 600 और ये 7p और ये हो गया 460, इधर लाइए 600 − 460 इस कर दो 7p घटा दीजिए 600 में से 460 को, कितना बचेगा 140, 140 ही बचेगा मेरे ख्याल से, 140, ठीक है, इज इक्वल टू 7p। तो p बराबर 140 / 7 कितना आ गया 20 बार में, तो इसलिए p आ गया आपका, ये कितना आ गया आपका 20, पी कितना आ गया 20, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। अब हम लोग अगले क्वेश्चन में चार मान सब रहेगा, 12 में से एक नहीं रहेगा, तो वो हमको ज्ञात करना होगा, ठीक, वो अगले क्वेश्चन में। देखिए अगले क्वेश्चन में इसमें क्या है कि 12 में से एक नहीं है, P का मान ज्ञात करना है यदि माध है 19.5, ठीक, ये X का मान, ये हो गया F का मान, देखिए F में P लिखना है, ये P ज्ञात करना है, ठीक। तो ये मेरा आंसर होगा, यहीं से स्टार्ट, टेबल बनाइएगा परीक्षा में, कुछ नहीं, सबसे पहले आप FX निकाल लीजिए, तो 20 को 40 से गुना किया, 4 से 40, 15 को 6 से किया तो 90, 20 को P से किया तो 20p, 25 को 2 से किया तो 50, 30 को 5 से किया तो 150, ठीक है। सबसे पहले इसको जोड़ लेते हैं, सिग्मा एफ जोड़िए, 6 × 4 = 10, 5 × 2 = 7, 17, यानी 17 + p आया, कितना आया 17 + p, जोड़ लिए, इधर जोड़ लिए सिग्मा एफ एक्स, तो ये तो 20p रहेगा ही अपना, 20p लिख लिए, बाकी को जोड़ते हैं 40, 90, 50, 150, तो 150 हो गया आपका 200, 290 हो गया, 290 इसका 10 हो गया 330, 330। अब देखिए जोड़ने घटाने वाला आप कुछ कीजिए, हो गया, माध दे रखा है 19.5, तो माध बराबर फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ, तो माध दे रखा है 19.5 बराबर सिग्मा एफ एक्स कितना है आपके पास 20p + 330, ठीक है, और ये सिग्मा एफ कितना है तो 17 + p है, ठीक, और इसको इधर ले आते हैं तो 19.5 17 + p = 20p + 330, 19.5 को 17 से गुणा कर देते हैं, ठीक है, तो आता है आपका 31.5 + 19.5 को पी से गुणा कीजिए तो 19.5p, अब ये 20p + 330। आप फिर सोच रहे होंगे सर ऐसे कैसे हो गया, 331 कैसे आ गया, तो देखिए हम कुछ नहीं किए, 19.5 17 मतलब 10 + 7 होता है, ठीक है, तो 19.5 जब 10 से गुणा होगा तो ये आएगा 195, 19.5 जब 7 से गुणा करना आसान है तो 7 × 5 = 35, 5 + 3 = 17, 7 × 9 = 63, 8 × 6 = 6, 7 × 6 = 13, ये पॉइंट का पॉइंट, ठीक है, तो जोड़िए 0.5 का 0.5, ठीक है, 6 × 5 = 11, 1 = 1, 9 × 3 = 12, 13 = 3, 1 + 2 = 3,
ठीक है, 17 गुणा करें ज़्यादा समय लगता है, 17 को हम तोड़ लिए 10 प्लस 7, यानी इसको 10 से और 7 से गुणा किए या फिर दोनों को जोड़ दिए तो हो गया 17 का गुणा। ठीक है, ये गुणा थोड़ा सा आसान होता है ऐसे। चलिए उसके बाद 330 को इधर 331.5 माइनस 330, 19 पी को उधर 20 पी माइनस 19.5 पी, 300 खत्म, 31 में से 30 रुपया चला गया, बचा 1 रुपया, अब 0.5 50 पैसा यानी 1.5 बच गया, बराबर 20 में से 19 रुपया घटा दो, इधर 1 रुपया बचेगा, अब 1 रुपया से 50 पैसा भी घटा दो तो 50 पैसा बचेगा, तो P बराबर हो गया 1.5 / 0.5। क्या ये बता दें? मेरे ख्याल से नहीं बताना चाहिए, इधर खुद से किया ना सकता है ना, 331.5 को 330 घटाना है, ठीक है, 331 में से 330 रुपये घटा दीजिए तो 1 रुपये बचेगा, 0.5 भी तो आपके पास बचेगा, तो हो गया 1.5 रुपया, 20 रुपये में से 19 रुपये घटाइए तो 1 रुपया बचेगा, लेकिन 50 पैसा और घटाना है तो 50 पैसा हो गया, बाकी आप खुद से कीजिए, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 5 × 3 = 15, तो पी का मान आ गया 3, अज्ञात बड़ा मात्रा आ गया 3। तो हम लोग क्या क्या सीखे, एक सीखे व्यक्तिगत श्रेणी में जो चर मान नहीं होगा वो ज्ञात करना, फिर हम लोग सीखे खंडित श्रेणी में बारंबारता सभी का होगा लेकिन एक चर मान ही नहीं होगा वो ज्ञात करना सीख गए, फिर हम लोग सीखे क्या कि खंडित श्रेणी में कि चर मान पूरा होगा लेकिन किसी चर मान का बारंबारता नहीं होगा, चर मान पूरा होगा लेकिन किसी चर मान का बारंबारता नहीं होगा तो वो ज्ञात करना है, वो सीखे, दो चीज सीख गए हम लोग। चलिए चलिए हम एक और क्वेश्चन को इसमें देख लेते हैं, क्वेश्चन वही है बस, अब क्या हो गया कि पी क्यू का मान निकालना है, पी का भी मान निकालना है और क्यू का भी, ठीक है, पी और क्यू दोनों का मान निकालना है, ठीक, और ये सब कुछ है और ये टोटल 32 दे रखा है क्वेश्चन में बारंबारता, क्वेश्चन में पहले से देगा ध्यान रखिएगा, ये बारंबारता टोटल 32 दे रखा है, ठीक है, बारंबारता 32 नहीं लिखते हैं, 32 से 20 लिखते हैं, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन में रहेगा आपके पास कि बारंबारता टोटल कितना है 20 है, पी का मान निकालना और किसका मान निकालना है, क्यू का, ठीक, तो देखिए ध्यान से, जितना अज्ञात राशि होता है उतना ही समीकरण बनता है, जितना अज्ञात राशि होता है उतना ही समीकरण बनता है, ठीक, तो दो अज्ञात राशि है पी और क्यू, दो मान निकालना है तो समीकरण भी कितना बनेगा, दो, ठीक है। चलिए तो पहला समीकरण कैसे बनेगा, पहला समीकरण बारंबारता से ही बन जाएगा, कैसे, तो सिग्मा एफ कितना दे रखा है 20, ठीक है, इसलिए तो सिग्मा एफ का मतलब सबको जोड़िए तो 4 प्लस पी प्लस 3 प्लस क्यू प्लस 5 बराबर 20, इसका मतलब यही हुआ ना, ठीक है, सभी का जोड़ सिग्मा, सबको प्लस 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 किए लेकिन दिया कितना था क्वेश्चन है 20, तो जोड़िए 4 × 3 = 7 + 5 = 12, 12 प्लस पी प्लस क्यू बराबर 20, 12 को उधर ले जाइए तो पी प्लस क्यू बराबर 20 माइनस 12, इसलिए पी प्लस क्यू का मान कितना आ गया 8, ये मेरा बनेगा समीकरण 1। दूसरा समीकरण कैसे बनेगा, ठीक, पहला समीकरण बारंबारता का योग से बना, दूसरा समीकरण कैसे बनेगा, तो एफ एक्स वाले रूल से, और हम लोग एफ इंटू एक्स कर लेते हैं, चलिए गुणा कीजिए, 10 को 40 से 40, 15 को पी से 15 पी, 20 को 3 से 7, 25 को क्यू से तो 25 क्यू, 30 को 5 से तो 150, ठीक है, अब इसको जोड़ लेते हैं, सिग्मा एफ एक्स कर लेते हैं, कीजिए, तो देखिए बहुत आसान है, 40 और 7 100, 150 250, तो हो गया 250 प्लस 15 पी या 25 पी, तो सही लिखा जाएगा 15 पी या प्लस में 25 क्यू, ऐसे लिख दिए 15 पी और 25 क्यू लिखा गया, ठीक है। अब आगे चूंकि मान बराबर क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स वाई सिग्मा एफ, मान कितना दे रखा है 19.5, तो लिख दिए 19.5,
सिग्मा एफ एक्स कितना आ गया 250 क्यों आया 250 प्लस 15 पी प्लस 25 क्यू, नीचे में सिग्मा एफ कितना है 20 है आपके पास, देखिए सिग्मा एफ कितना है 20, तो लिख दिए 20, सबका मान कूट 20 को डालेंगे तो 19.5 × 20 इस से लिख देंगे 250 प्लस 15 पी प्लस 25 क्यू, पॉइंट हटेगा 10, 10 से 0 कैंसिल गुना करेंगे 2 × 5 = 10 का 0 हासिल, 2 × 9 = 18, 19 का 9 हासिल, 2 × 1 = 390 250 15 पी प्लस 25 क्यू हो गया, इसको इधर लाएंगे 390 माइनस 250 बराबर 15 पी प्लस में 25 क्यू, घटाइए घटाएंगे कितना आ जाएगा 0, 9 में से 5 गया 4 और 140 और ये 15 पी प्लस में 25 क्यू। आप चाहे तो देखिए भी 5 के टेबल से कटेगा, ये भी 5 के टेबल से कटेगा, ये भी 5 के टेबल से कटेगा, तब काट सकते हैं, लेकिन आपको अगर मन नहीं है काटने का तब मत काटिए, छोड़ दीजिए, हम भी छोड़ देते हैं। यानी मेरा समीकरण तैयार हो गया 15p 25q बराबर 140, ये बना समीकरण 2। अब इन दोनों समीकरण को सॉल्व करेंगे, ठीक है, उस सॉल्व करने का विधि का नाम रखेंगे रहेगा लुप्तीकरण विधि। कौन सा विधि? लुप्तीकरण। फिर से सबसे पहले सिग्मा एफ 20 था, सिग्मा एफ का मतलब इन सभी को प्लस करना है, तो सभी को प्लस किए 20 लिखे, तो पी प्लस क्यू 8 एक समीकरण, उसका एफ और एक्स को गुणा किए सिग्मा एफ एक्स आ गया, माड के फॉर्मूला है पुट किए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किए, इसको सजाएं, ध्यान से देखिए सजाएं है तो दूसरा समीकरण, ठीक। अब हम आगे इसको इरेज करके समीकरण 1 और समीकरण 2 को सॉल्व करेंगे, ठीक है। हाँ देखिए लुप्तीकरण विधि से क्या करते हैं हम लोग, अब सॉल्व करते हैं, ठीक, कैसे करेंगे देखिए ध्यान से। लुप्तीकरण विधि में सॉल्व करने का सबसे पहला तरीका क्या है कि जिसकी दोनों में से P को चाहे Q को दोनों में से किसी एक को हटाना पड़ता है, P को चाहे Q को दोनों में से किसी एक को हटाना पड़ता है, हटाने के लिए क्या करना होगा कि दोनों समीकरण में एक जैसा P और एक जैसा Q दिखना चाहिए, नहीं दिखेगा तो कुछ गुना करके एक जैसा दिखाएंगे। जैसे मान लिया कि हम Q हटाना चाहते हैं तो यहाँ Q के साथ 25 है लेकिन यहाँ Q के साथ 25 नहीं है, इसका मतलब हमको इसमें 25 गुना करना है, 25 गुना करना पड़ेगा, तो समीकरण 1 में किसे गुना करेंगे 25 से, और समीकरण 2 में किसे गुना करेंगे 1 से, कुछ नहीं करेंगे तो 1 तो जरूर करेंगे, तो इसे 25 गुना कीजिए तो 25 को P से तो हो गया 25P, 25 को Q से हो गया 25Q, 25 को 8 से तो हो गया 200, ये ऐसे ही लिखा जाएगा 15P 25Q योग 140। देखिए हम फिर से बताते हैं, समीकरण 1 और 2 में हमको Q को हटाना था, ठीक, तो जिसको हटाना है उसके लिए क्या करना है कि इस समीकरण में Q के साथ जो नंबर होगा वो जाके इसमें गुना होगा और सेकेंड समीकरण में Q के साथ जो भी नंबर होगा वो जाके फर्स्ट में गुना होगा, फर्स्ट वाले में Q के साथ जो भी नंबर होगा उस दूसरे समीकरण में गुना कर दिए और दूसरे समीकरण में Q के साथ जो भी नंबर होगा उसको पहले समीकरण में लाकर गुना कर दीजिए, बात खत्म। तो हम वही काम किए, दूसरा समीकरण में Q के साथ 25 था तो 1 में गुना किए हैं 25 1 में, और पहला समीकरण में Q के साथ 1 था तो उसको आगे समीकरण 2 से गुना कर दिए। ये दोनों प्लस है, घटेगा कब जब एक माइनस हो जाए, तो इसलिए यहाँ हम लिखेंगे घटाने पर, यहाँ पर क्या लिखेंगे घटाने पर, अब ये घटेगा, घटेगा मतलब साइन चेंज, ये प्लस है तो ये माइनस, ये प्लस है तो ये माइनस, ये प्लस है तो माइनस, जैसे आप घटाने पर लिखेंगे तो नीचे वाले का चिन्ह बदल देना है। घटाने पर कब लिखना है, जब ये दोनों प्लस में लिखे तब लिखना है घटाने पर, और जब ये दोनों माइनस में लिखे तब लिखना है घटाने पर, दोनों एक जैसे चिन्ह में लिखेगा तो आपको लिखना है घटाने पर, दोनों एक जैसे चिन्ह में लिखेगा तो लिखना है घटाने पर, और जैसे घटाने पर लिखेंगे तो नीचे साइन चेंज, तो ये 25Q 25Q कैंसिल, 25 में से 15 गया 10p और 200 में से 40 गया 60, तो p बराबर 60/10 कैंसिल, तो p का मान आ गया 6।
यहाँ तक किसी को कन्फ्यूजन नहीं हुआ होगा, ठीक है। चलिए अब इस पी के मान के छे को हम समीकरण एक में क्या करेंगे, रख देंगे। तो समीकरण एक में पी बराबर सिक्स रखने पर ये रहा समीकरण एक। क्या है समीकरण एक, तो चूंकि पी प्लस क्यू बराबर आठ है अतः तो पी का मान हो जाएगा सिक्स। तो सिक्स प्लस क्यू बराबर आठ, सिक्स को उधर ले जाइए तो q बराबर आठ माइनस सिक्स, इसलिए q बराबर दो आ गया दोनों मान लास्ट में। अतः p बराबर सिक्स और q बराबर दो, आपका ये हुआ आंसर, ठीक है। टाप डुप्टिकन वीडियो भी सीख गए। चलिए अब हम लोग अगले वीडियो में, ठीक है ना, इस वीडियो में नहीं, अब हम लोग अगले वीडियो में अखंडित श्रेणी यानी वर्ग अंतराल वाले बारंबारता सारणी के लिए यानी वर्गीकृत बारंबारता सारणी में हम लोग अज्ञात बारंबारता को ज्ञात करेंगे। उसमें दो क्वेश्चन बनाएंगे, एक अज्ञात बारंबारता एक ही को होगा, फिर बनाएंगे अज्ञात बारंबारता दो होगा, जैसे इसमें बनाए एकदम सेम तरीके से उसमें बनाएंगे, ठीक है। तो अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं, थैंक यू। आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और पूरे विश्वास के साथ, ठीक है, जैसे हम बोल रहे हैं वैसे वैसे आप बस पढ़ते जाइए। एक बात और, वीडियो को जरूर देखिए और सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए।